रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित फिल्म मणिकर्णिका का टीजर आज रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, फिल्म का बजट इस बार 150 करोड़ से ऊपर रखा गया है। डायरेक्टर क्रिश और प्रोड्यूसर कंपनी जी ने काफ़ी ज़्यादा यहां पर दाम लगाया है कंगना रनौत पर 150 करोड़ का बजट लगाकर। दोस्तों, कंगना बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने दम पर फिल्में चला लेती है, लेकिन देखना ये होगा कि ये 150 करोड़ के बजट की बनी फिल्म क्या दर्शकों को इतना प्रॉफिट दे पाएगी कि ये 150 करोड़ अपना निकाल लेगी। कंगना के अलावा इस फिल्म में हमें अंकिता लोखंडे नजर आएंगी, जिन्हें आप पवित्र रिश्ता फेम में देख चुके हैं, जिनका नाम होगा झलकारी बाई। इसके अलावा इस फिल्म में आपको डैनी डेंजोरबा भी देखने को मिलेंगे और सुरेश ओबेरॉय की भी झलकियाँ आपको देखने को मिलेगी। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं। फिल्म के जितने भी पोस्टर रिलीज़ किए गए हैं सब कंगना रनौत के हैं और देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर के दिन फिल्म का टीज़र रिलीज़ होना है। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट है 25 जनवरी 2019। इसी तारीख पर उनके क्लैश ऋतिक की फिल्म सुपर 30 और इमरान हाशमी की चीट इंडिया से होना है। तो देखना ये होगा कि मणिकर्णिका के रूप में इस बार कंगना रनौत अपने 150 करोड़ से ऊपर की इस बजट की फिल्म को कितनी ज़्यादा सफल बना पाती है। फिलहाल इंतज़ार टीज़र का है जो आज रिलीज़ होने वाला है। तो दोस्तों, आपको इसका कितना इंतज़ार है कमेंट बॉक्स में बताएँ। सब्सक्राइब करें देखो।